हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द माय मैथ्स क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। आज के वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन की हेल्प से हम इंटीजर्स को कैसे ऐड करेंगे। अब आपको अगर थोड़ा पीछे का याद दिला दें तो आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इंटीजर्स के बारे में। वो इंट्रोडक्शन वीडियो था कि आपके इंटीजर्स कितने टाइप्स के होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, और वहाँ पर एक टॉपिक आपने और पढ़ा था एब्सोल्यूट वैल्यू। आज के वीडियो में हम यहाँ पर इंटीजर्स का एडिशन करेंगे बट विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। अब नंबर लाइन स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ याद दिला दें हम कि आपको लास्ट वीडियो में हमने प्लस माइनस, माइनस प्लस और प्लस प्लस, इसका क्या होता है, प्रोडक्ट क्या आता है, ये मैंने डिस्कस किया था वहाँ पर। बट एक बार उसी को हम फिर से रिवाइज कर दें, क्योंकि कुछ बच्चों का कहना था कि सर एक बार और उसको रिवाइज कर दीजिए। तो एक बार हम फिर से उसको यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले प्लस माइनस वाला स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप देखिए कि अगर आप याद रखिए प्लस प्लस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू प्लस। ओके, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू माइनस, फिर उसके बाद माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू माइनस, फिर लास्ट में आप बेटा प्लस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू माइनस। ये फोर स्टेप थे आपके, वन टू थ्री एंड फोर। अगर आपसे हम कहें इस एग्जांपल, ये आपको एक तरीके से आप कह सकते हो फार्मूले में ही इसको रख सकते हैं, ठीक है, इसको आप फार्मूला मान सकते हो कि प्लस माइनस, माइनस प्लस आपका क्या होगा। तो अब इसके अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट फाइव मल्टीप्लाई फाइव, तो आप देख रहे हो इस वाले एग्जांपल का अगर हम देखें तो दोनों प्लस में है, इसका मतलब आंसर भी हमारा प्लस में आएगा, फाइव मल्टीप्लाई फाइव इक्वल टू 25। अब इस वाले एग्जांपल की अगर बात करते हैं, इस वाले सेकंड फार्मूले की, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, सपोज दैट माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू, ठीक है, माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस टू, तो हम इसको यहाँ पर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हमने कराया, आंसर यहाँ पर प्लस हो गया, ठीक है, माइनस माइनस का ये आपका माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, माइनस माइनस का हमने मल्टीप्लाई कराया, ये प्लस हो गया यहाँ पर, और टू टू जा फोर, तो प्लस का फोर आ गया, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई हम माइनस से कराएंगे तो हमको यहाँ पर प्लस मिलेगा, ठीक है। इसको आप याद रखिए, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस। अब उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर थर्ड फार्मूले की बात करें, तो एक माइनस और एक प्लस, सपोज दैट माइनस टू मल्टीप्लाई प्लस का फाइव, इसका अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस टू प्लस का फाइव करेंगे तो मल्टीप्लाई का जो सिंबल आएगा आपका प्रोडक्ट, वो माइनस में मिलेगा, तो टू फाइव जा टेन, तो ये टेन आपका माइनस में आ गया। अब उसके बाद लास्ट में आप देखिए यहाँ पर प्लस मल्टीप्लाई माइनस है, मतलब टू मल्टीप्लाई माइनस सिक्स कर लें तब भी आंसर हमको जो मिलेगा वो माइनस में ही मिलेगा। तो ये बेटा आपके फोर मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स में सिंप्लीफिकेशन वाले जब क्वेश्चन आप करोगे प्लस माइनस के, वहाँ पर ये यूज होगा। तो यहाँ पर इसको फिर से एक बार देख लेते हैं, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो आपको प्लस मिलेगा, अब उसके बाद माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस मिलेगा, फिर माइनस मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो माइनस मिलेगा आपको, फिर प्लस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो माइनस मिलेगा। ये आपको याद रखना है एज अ फार्मूला, इसको कह सकते हो फार्मूले हैं ये, इसको याद रखिए। ये आपके इंटीजर्स में जब आप क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के करोगे इंटीजर्स के, उस पर ये यूज होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए ये, फिर आगे आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। नोट हो गया। अब देखिए बेटा, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, तो आपको याद होगा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में रिप्रेजेंटेशन बताया था इंटीजर्स का नंबर लाइन पे, कि आप नंबर लाइन पे इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो उसी को अगर हम सपोज दैट आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, टू प्लस फाइव,
अब हमको इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करके आंसर बताना है, ठीक है। ऐसे आप नॉर्मल करेंगे तो 2 + 5 = 7, ठीक है। तो नंबर लाइन की हेल्प से हमें इसको फॉर्म करना है, एडिशन बनाना है। तो नंबर लाइन सबसे पहले कैसे करनी है, आपने अगर वो वीडियो ना देखा हो कि नंबर लाइन हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम नीचे बेटा डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक दे देंगे, ठीक है। तो आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले एक नंबर लाइन हम ड्रा करेंगे। नंबर लाइन ड्रा करने के लिए आपको मालूम है, ये हमने एक नंबर लाइन ड्रा कर ली। अब यहाँ पर हमने बताया था बीच में आपको जीरो लेना है, ठीक है। बीच में जीरो लेंगे और जीरो के ये आपका मालूम है कि लेफ्ट साइड होता है, जीरो की लेफ्ट साइड, और ये बेटा आपकी जीरो की राइट साइड, ठीक है। अब इसमें हम यहाँ पर 1 1 यूनिट में +1 लिख लेते हैं, +2 लिख लेते हैं, 3 4 5 6 7 8, आपको जितने की नीड होगी आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। अब सेकंड में जीरो के लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड आपको मालूम है कि नंबर जो होंगी वो माइनस में होंगी। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले कहाँ से करना है, 2 से करना है, 2 + 5 करना है। आपको ये मान के चलना है कि मिड पॉइंट हमको 0 से ही स्टार्ट करना है, ये जो 0 है यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो आप देखिए सबसे पहले 2 था, तो 0 से हम 2 तक गए, यहाँ पर हमने स्टार्ट किया 0 से 2 तक, ठीक है। 0 से 2 तक हम चले गए। अब 2 के बाद देखिए 5 स्टेप है, 2 के बाद 5 है, तो हम यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब अगर हम 2 से चलें, 5 हमको कहाँ पर मिलेगा, 7 पे मिलेगा। तो आप इसको ऐसे यहाँ पर राइट कर सकते हो और ये आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि मिड पॉइंट आपको 0 लेकर चलना है, 0 के बाद आपका जो सबसे पहली नंबर होगी 0 से उतने प्लेस हम आगे चलेंगे। अगर प्लस है तो प्लस की तरफ चलेंगे, माइनस है तो माइनस की तरफ चलेंगे। अब यहाँ 0 के बाद 2 के बाद यहाँ पर 5 था, तो 5 को हमने 5 स्टेप, पहले 0 से 2 तक गए, 2 से जाने के बाद आगे 5 है, तो 2 से हमने 5 स्टेप आगे कर लिए, 1 2 3 4 5। तो 2 से 5 हम आगे गए तो आपको ये 7 मिल गया, ओके। अब इसके बाद अगर हम माइनस के क्वेश्चन की बात करें, ये तो 2 + 5 आपको मालूम था कि इसका आंसर 7 आएगा। अब उस 7 को हमको नंबर लाइन की हेल्प से करना था, ठीक है, उस 7 को हमको नंबर लाइन की हेल्प से करना था, इसलिए हमने ये ड्रा की। अब इसको नोट कर लीजिए आप, और आपको बताते हैं, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नोट हो गया। अब आप देखिए माइनस में अगर हम बात करते हैं, तो इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन में 3 - 6 है। अब हमको 1 + 1 - इसको हमको नंबर लाइन में ड्रा करके नंबर लाइन को उसकी हेल्प से फाइंड करना है। तो आपको बेटा पता है कि सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा करेंगे, तो आप नंबर लाइन एक ड्रा कर लीजिए, ये हमने नंबर लाइन ड्रा कर ली। आप स्केल से करोगे बेटा तो और सीधी स्ट्रेट जाएगी। अब हमने आपको यहाँ पर 0 ले लिया, 0 के बाद 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर यहाँ 0 के अब लेफ्ट राइट लिख दें, अच्छा आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, लेफ्ट 0 के, 0 के इधर राइट, तो 0 के लेफ्ट आपके जितनी नंबर होंगी माइनस में, -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है, ऐसे आप राइट करते चले जाएंगे। अब हमने आपको बताया था कि 0 से हम स्टार्ट करेंगे और जो आपकी पहली नंबर होगी अगर प्लस होगी तो प्लस की तरफ चलेंगे, माइनस होगी तो माइनस की तरफ चलेंगे।
अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 3 आपका प्लस है, प्लस में है, और 6 आपका माइनस में है। तो ये तो बेटा यहाँ पर क्लियर हो गया क्वेश्चन देखकर कि हमको सबसे पहले प्लस की तरफ जाना है। क्यों प्लस की तरफ जाना है? क्योंकि आपका 3 आपका प्लस में है, पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर हमेशा जीरो के राइट साइड होगी। जीरो के राइट साइड आपकी पॉजिटिव होगी तो हमको राइट साइड जाना है। तो आप देखिए यहाँ पर, अब जीरो के राइट साइड हम गए तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, 3 डिजिट हमको जाना है, ठीक है। जीरो से 1, 2, 3, तो हमने ये अपनी डिस्टेंस शुरू किया और ये 3 तक हम गए, ठीक है। अब 3 तक हमने यहाँ पर ये मार्क कर दिया, ठीक। अब 3 तक गए, अब देखिए 3 से हमको -6 बैक होना है। 3 से -6 हमको बैक होना है, मतलब कि 6 स्टेप पीछे चले जाना है। माइनस में है तो माइनस का मतलब कि हमको लेफ्ट साइड जाना है, लेफ्ट साइड, जीरो के लेफ्ट साइड। तो -6 था तो यहाँ 3 से आप 6 स्टेप बैक चले जाइए। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आपको -3 में मिलेगा। तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ये बैक हो गए हमने, और ये -3 पे हम रुक गए जाकर। तो ये आपका 3 से हमने स्टार्ट किया, पहले 0 से 3 में गए क्योंकि 3 आपकी पॉजिटिव नंबर थी। अब उसके बाद -6 हमको मालूम है कि निगेटिव नंबर्स हैं, तो आपको बता दिया हमने कि निगेटिव आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, 0 के लेफ्ट होगा। तो वहाँ पर 0 के लेफ्ट हैंड हम यहाँ पर 6 स्टेप बैक हो जाएंगे, मतलब 6 स्टेप पीछे हो जाएंगे। तो 3 से हमने काउंट करना स्टार्ट किया, आप यहाँ पर 3 स्टेप पीछे हो जाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हमने किया, तो ये आपका आंसर हो गया जो आपका -3 आएगा। अब आप इसको रफ में सॉल्व कर सकते हो आंसर चेक करने के लिए कि हमारा सही था कि नहीं। 3 - 6 करोगे, जो बड़ा होता है साइन उसका लगता है, -6 बड़ा था तो हमने पहले साइन माइनस का लगा दिया। सब्सट्रैक्ट किया 6 में 3, तो 3 हो गया। तो इसका मतलब हम बिल्कुल सही कर रहे थे, इसका मतलब हम बिल्कुल सही कर रहे थे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, एक जब पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, नोट कर लीजिए इसको, नोट हो गया, ओके। अब बेटा देखिए, अभी तक हमने टू इंटीजर्स का प्लस किया था। अगर आपको अब कह दिया जाए 2 से ज़्यादा 3 इंटीजर्स आपको दे दिए जाए वहाँ पर, और तब आपसे बोला जाए कि तब माइनस करके दिखाइए, प्लस करके दिखाइए, तो आप कैसे करेंगे? सपोज दैट एक क्वेश्चन अगर हमने यहाँ पर लिखा 2 + 3 - 4, ठीक है। अब इसको हमको 2 + 3 - 4, ये इंटीजर्स है। अब इन इंटीजर्स को हमको सॉल्व करना है, और सॉल्व करना हमको किस में है? नंबर लाइन में सॉल्व करना है। तो नंबर लाइन में आप कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक आपको नंबर लाइन ड्रा कर देनी है, बड़ी सी नंबर लाइन यहाँ ड्रा कर दीजिए। इस नंबर लाइन में आप को मालूम है जीरो हमको सबसे पहले लेना है, जीरो आपको बीच में ले लेना है, मिडिल में। अब जीरो के ये लेफ्ट साइड होता है जीरो का, और ये राइट साइड हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट राइट आपको मालूम है, तो जीरो के राइट हैंड साइड आपका पॉजिटिव नंबर्स होंगी। इसका मतलब ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हुआ, ये 4 हो गया, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, ठीक है। अब जीरो के राइट लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है। ये हमने नंबर लाइन एक ड्रा कर ली। अब बेटा इस देखिए, यहाँ पर सबसे पहला नंबर आपका 2 है, इसका मतलब कि हमको 2 आपका यहाँ पर क्या है, आगे कौन सा साइन लगा है? कुछ नहीं लगा, इसका मतलब पॉजिटिव है। अगर कोई भी आपका साइन नहीं लगा है वहाँ पर, तो नंबर आपकी पॉजिटिव में काउंट होगी।
तो यहाँ पर 2 आपका पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि तुरंत माइंड पे स्ट्राइक होना चाहिए कि 0 आपका मिडिल में रहता है, और सर ने बताया था 0 के लेफ्ट साइड माइनस होता है और 0 के राइट साइड प्लस होता है। तो प्लस आपका 2 है, तो इट मीन्स हम 0 के राइट साइड पहले जाएंगे। तो आप यहाँ पर स्टार्ट किया हमने 0 से, 2 था तो 1 2, 0 से हम यहाँ पर आप कह सकते हो ऊपर से कर रहे हैं, ये 0 से हमने स्टार्ट किया 2 तक आ गए, ठीक है, 0 से 2 तक आ गए। अब उसके बाद देखिए, फिर आपका प्लस 3 था, इसका मतलब हमको 3 स्टेप और आगे चले जाना है, तो 1 2 3, इसका मतलब ये 3 स्टेप हम फिर आगे आ गए यहाँ। अब इसके बाद आप देखिए बेटा, -4 है, कितना है -4। अब हमने सेकेंड स्टेप में यहाँ आए तो हमको 5 मिला था, अब 5 में लास्ट में -4 है, इसका मतलब कि हमको माइनस है तो पीछे की तरफ जाना है, अब आगे हम नहीं जा सकते, माइनस है तो हम पीछे की तरफ जाएंगे, बैक साइड जाएंगे। तो वहाँ पर हम, यहाँ 5 है, 5 हमको मिला था, 4 स्टेप हमको पीछे जाना है, मतलब कि 1 2 3 4। तो जो भी आपका, जब हम बैक होकर आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए, जब बैक होकर हम आ रहे हैं तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया और बैक हो गए, फिर 1 पे आ गए, तो आपका आंसर कितना आया, 1 आ गया, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो आप सॉल्व कर सकते हो, 3 + 2 5, 5 - 4 = 1, एंड 1 इज अ पॉजिटिव यहाँ पर है, तो 1 कहाँ आया नंबर लाइन में, पॉजिटिव आया, इसका मतलब हम बिल्कुल सही कर रहे थे, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, पहला 2 है तो हम 0 से 2 स्टेप आगे जाएंगे, फिर +3 था, +3 का मतलब कि आगे ही हमको जाना है, तो यहाँ पर 2 के बाद 1 2 3, 3 स्टेप हमने और आगे ले गए तो हमको 5 मिल गया। अब यहाँ पर -4 था, तो -4 का मतलब हुआ कि हमको पीछे बैक साइड माइनस, मतलब 4 स्टेप हमको बैक साइड चले जाना है, तो 5 हमने 1 2 3 4, तो हम 4 स्टेप बैक साइड गए तो हमको 1 मिल गया, और 1 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। इसे ही हम, ऐसे ही आपके जितने भी एडिशन होंगे नंबर लाइंस पे, ऐसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो था एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन का, आप पूरे वीडियो को देखिए। अगर आप नए हैं चैनल में तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ओके। तो पूरा वीडियो देखिए, थैंक यू।